नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। आज हम बात करेंगे नीमच जिले के जावत विधानसभा की, जहां जावत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा के बाद जावत विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सखलेचा के साथ कार्यकर्ताओं का ढोल धमाकों व आतिशबाजी के साथ जश्न मनाने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्य मार्ग व बीच चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी के साथ ढोल धमाकों व आतिशबाजी के साथ जश्न मना रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद जब मीडिया ने जावत एसडीएम से बात की तो एसडीएम का कहना है कि इस आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजित काटेर ने जिला प्रशासन से आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग करी और कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना भाजपा व कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों का दायित्व होता है, लेकिन पहले भी नीमच में सिटिंग एमएलए दिलीप सिंह परियार द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। उसके बाद बिना अनुमति चौराहे पर आतिशबाजी के साथ सिटिंग एमएलए व भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सखलेचा द्वारा जावत में भी जश्न मनाया गया। वही वीडियो के सामने आने के बाद नीमच कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव व एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह पवार ने मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। आचार संहिता लग चुकी है, तो जब एक बार आचार संहिता लग चुकी होती है तो दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का उसका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो लोग पहले विधायक रह चुके हैं उनकी तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून का जो है पालन करें। अभी दिलीप सिंह जी को नीमच में जमानत कराना पड़ी तो ये खेदजनक बात है। अब अगर जावत में, नया गाँव में, जावत में और अन्य स्थानों पर विधायक जी की उम्मीदवारी होने के बाद में जिस तरीके से आतिशबाजी की गई है सड़क पर और ढोल ढमाकों के साथ आयोजन किया गया है, तो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। जुलूस के संबंध में आपके माध्यम से मुझे पूर्व में जानकारी मिली थी, जिस पर से जो जावत के फ्लाइंग स्क्वाड के मजिस्ट्रेट है, प्रभारी हैं, उनको उस जो जिसको आप जुलूस बोल रहे हैं कथित रूप से, उसकी वीडियो देखकर और उसकी वस्तु स्थिति के आधार पे वैधानिक जो भी निर्णय है लेने हेतु उनको निर्देशित किया गया है।